अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वसीम। तो आज मैं जनाब आया हूँ हाइटी के लिए टी गार्डन रेस्टोरेंट जौहर टाउन लाहौर। तो इस रेस्टोरेंट की खसूसियत मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनाब यहाँ पर जो है हाइटी बहुत ही सस्ती है, यानी कि प्राइस इतनी कम है कि आपको भी यकीन नहीं आएगा। और प्राइस जो है हाइटी की मैं एंड में जो है डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा। जैसे कि आप दोस्तों को मालूम है, कल से जो है वो सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया हुआ है और आपको ये धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, आपके लिए इस सर्दी की शिद्दत में मैं व्लॉग बनाने के लिए आया हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। और तो वीडियो में कमेंट यार ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि हम अपनी वीडियो को उस तरह से बना सकें जैसा आप चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब चलते हैं और रिव्यू देता हूँ आपको। तो आज ही हाइटी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्टर में हमारे पास आया था जी सूप, चिकन कॉर्न सूप है। ये देखें, ये देखें गर्मा गर्म है, ये चिकन कॉर्न सूप है। उसके बाद यहाँ पर है कुछ सलाद प्याज और टमाटर की। उसके बाद ये हाली है, यहाँ पर आ जाती है जी मकरोनी सैलड है यहाँ पर। उसके बाद आए थे हमारे पास एग फ्राइड राइस। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है यार। ये आ गए एग फ्राइड राइस। उसके बाद आया था है चिकन मंचूरियन। ये चिकन मंचूरियन है जिसका के ग्रेवी बड़े ही ज़बरदस्त है। और उसके बाद आया था है जी चिकन बिरयानी, यहाँ पर है चिकन बिरयानी हमारे पास। और उसके बाद जो है अल्फा रेडो पास्ता है, ये वाला, ये अल्फा रेडो पास्ता आ गया। उसके बाद जनाब आ जाता है वेजिटेबल चाउमीन, ये चिकन चाउमीन नहीं है, ये वेजिटेबल है चाउमीन। उसके बाद हमारे पास आए थे जी हनी फ्राइड विंग्स हैं यहाँ पर चिकन के। और उसके बाद जो है कुछ यहाँ पर खाली हैं। और यहाँ पर आए थे हैं जी सैंडविचेस, ठीक है, ये चिकन सैंडविच नहीं है, क्लब सैंडविच है मायोनीज वाले। उसके बाद यहाँ पर है जी फ्रूट राइफल, ठीक है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस है। ये देखें आउटडोर है और ये सारा जो है इन्होंने, ये देखें ये टेंटिंग के साथ रूफ को कवर किया हुआ है। और ये इनका सिटिंग सारा एरिया है, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद जो है इनके सामने वाली साइड पर यहाँ पर इनके बफे लगे हुए हैं। इस रेस्टोरेंट का जो सिटिंग एरिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इनका एम्बियंस देखें, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये जी। तो दोस्तों, आज की हाइटी बफे में मैं सबसे पहले लेकर आया हूँ जी एग फ्राइड राइस है, उसके बाद चिकन बिरयानी है, और उसके साथ है जी ये वाला चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन जो है ना वो मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा, वाह यार ज़बरदस्त। ये देखें, ये आ गया मेरा सैलड सेक्शन, इसमें है जी ये वाली जो है मकरोनी सैलड है, उसके साथ आ गया है अल्फा रेडो पास्ता है, और उसके साथ है चिकन चाउमीन, नहीं ये है वेजिटेबल चाउमीन, इसमें चिकन नहीं है, और ये वाली है वेजिटेबल सैलड, ठीक है। और उसके साथ ये देखें ज़बरदस्त किस्म का गर्मा गर्म सूप। हाइटी की प्राइस जो है जनाब बहुत ही कम है, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइस क्या है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा मैं। अच्छा यार, सर्दी के मौसम में जो है ना ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है कि आपको स्टार्टर जो है वो सूप दिया जाता है। सूप का टेस्ट तो यार बड़ा ज़बरदस्त है, और खाना जो है ना वो स्पेशली बिल्कुल फ्रेश है। उसमें ये है कि ये बार बार जो है उसकी फिलिंग खा रहे हैं खाने की, इसमें कोई पुराना नहीं है खाना। और टाइमिंग इनकी जो है ना वो रात तक है, यानी कि ये वाहिद हाइटी होगी जिसके स्लॉट रात 11 बजे तक चलते हैं। यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम है, तो पहले मैं ट्राई करता हूँ जी चिकन बिरयानी। ये देखिए, ये है चिकन बिरयानी,
चिकन बिरयानी का टेस्ट अच्छा है, लेकिन थोड़ी ही सी ठंडी हो गई है। इसके बाद मैं ट्राई करता हूँ जनाब ये एग फ्राइड राइस। ये देखिए धुएं निकल रहे हैं, फुल गर्म है। जी तो दोस्तों अब मैं लेके आया हूँ, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का ये है फ्रूट राइफल। तो आज जो है वो ये समझे कि ये स्वीट डिश है, आज के डेजर्ट में सिर्फ यही है, एक चीज़ ही है। और उसके बाद आया था ये देखिए ज़रा, ये मायोनीज़ वाले क्लब सैंडविचेस हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। और उसके साथ आई ये फ्राइज। दोस्तों आज की हाइटी बफे के स्टार्टर में जो है सबसे पहले जो है वो सूप है, और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है सैलड है, सैलड जो है वो तकरीबन चार किस्म की है यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्राइस बहुत ही कम है, और प्राइस के हिसाब से जो है वो डिशेस जो हैं वो इन्होंने रखी हुई हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिशेस नहीं। और फूड का मियार जो है वो काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो इनकी बिरयानी है, चिकन बिरयानी और एग फ्राइड राइस, वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हैं, और साथ में चिकन मंचूरियन वो भी अच्छा है। तो मुझे तो इस रेस्टोरेंट का जो फूड है वो काफ़ी अच्छा लगा है, तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। जौहर टाउन लाहौर में इसकी लोकेशन है। सैलड सेक्शन में जो है अल्फाराडो पास्ता है इनके पास, उसके बाद आ जाता है मैक्रोनी सैलड है, और उसमें आ जाता है इसके बाद फ्रूट सैलड है। फ्रूट सैलड के साथ इनके पास वेजिटेबल सैलड है, और चार किस्म की आपको मैंने बताया था इनके पास सैलड है। और इसके अलावा चिकन चाउमीन नहीं है, ये वेजिटेबल चाउमीन है, और चाउमीन जो है वो भी ज़बरदस्त है। लेकिन स्वीट कॉर्नर में इनके पास जो है वो ओनली वन जो है वो डेजर्ट है, यानी कि उसमें है फ्रूट राइफल। दोस्तों कुछ सीटिंग जो है इनकी इस तरफ है, ये देखें ऊपर भी कुछ सीटिंग नज़र आ रही है मुझे। और यहाँ पर इनका है ड्रिंक्स काउंटर, जहाँ पर आपको जो है स्प्राइट, कोक और इसके अलावा जो है पानी वगैरह वो मिल जाएगा, लेकिन इसके अलग से चार्जेस हैं, ये हाइटी के चार्जेस में शामिल नहीं हैं ये ड्रिंक्स जो हैं। जी तो दोस्तों आज मैंने ट्राई किया है टी गार्डन रेस्टोरेंट का हाइटी बफे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अच्छा लगा, खाने से ज़्यादा जो मुझे है वो इनका एम्बियंस बहुत ही ज़बरदस्त लगा। सर्दी के इस मौसम में जो है इन्होंने ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट रखा हुआ है कि आपको मज़ा आ जाएगा। और हाइटी में अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा डिशेस हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिशेस जो है वो थोड़ी लिमिटेड हैं, उसमें चिकन या मटन की कोई डिश नहीं है सवाए चिकन मंचूरियन के। इसके अलावा इनके एग फ्राइड राइस जो हैं वो अच्छे हैं, इसके अलावा जो इनका सैलड सेक्शन है वो भी अच्छा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी पसंद की जगह पर मैं हाइटी करूं जाकर, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह हम वो भी ट्राई करेंगे। जी तो अब प्राइस की बात करते हैं। तो दोस्तों आज की हाइटी बफे की जो प्राइस है वो सिर्फ है 699, यानी कि 700 रुपये में जो है ये आपको हाइटी का बफे मिलता है, और इससे सस्ता जो है वो कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसकी लोकेशन जो है बहुत ही आसान है, जौहर टाउन लाहौर में जो है इसकी लोकेशन है। इसके अलावा इनके पास ऑल डे जो है वो हाइटी चलती है, यानी कि दोपहर 1 बजे स्टार्ट होती है और रात को 11 बजे तक जो है वो हाइटी की टाइमिंग है। यानी इसमें मुख्तलिफ स्लॉट हैं, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7, फिर इसके अलावा 7 से 9 वाला, और मैंने जो है वो इवनिंग स्लॉट जो है वो ट्राई किया। शादीवाल चौक से थोड़ा सा पहले सर्विस रोड पे ये है टी गार्डन रेस्टोरेंट, और गूगल पे मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ इसमें आने में, लेकिन इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।